हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ Realme GT Master Edition और इसके मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, सिर्फ 7 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि काफी तगड़े हैं। उनको जानने के बाद आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा बदल जाएगा। हम ऐसे कुछ नहीं बताने वाले हैं कि यहाँ पे 50 टिप्स एंड ट्रिक्स और 25 प्लस हिडन फीचर्स, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। टॉप 7 में यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी आपके अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में है Realme GT Master Edition, जो कि इसका लुकिंग तो दोस्तों आपको पता होगा काफी तगड़ा है। और अब मैं आपको इसको बताता हूँ हिडन फीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एज लाइटिंग का बता देता हूँ। तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पर्सनलाइजेशन। दोस्तों इसके अंदर एक दो फीचर्स और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे सबसे पहले मैं एज लाइटिंग ही बता देता हूँ। नीचे देख पा रहे होंगे एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये देखिए स्क्रीन अभी ऑफ है, तो हम यहाँ पे कलर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एज लाइटिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे ये कलर भी कर सकते हैं, ये कलर भी। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर कर लीजिए। और एज लाइटिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब भी आपके कॉल या नोटिफिकेशन आएगा तो आपके यहाँ पे स्क्रीन के साइड में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मिलता है, आपको इसको ऑन कर सकते हो। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे 2-3 आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जो कि काफ़ी तगड़ी तगड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दोस्तों ये भी आप इसको ऑन कर सकते हो। ये देखिए इसको ऑन कर लीजिए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कस्टम पैटर्न से यहाँ पे क्लो के लगाओगे। तो जैसे हम इसको बंद करते हैं तो ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप, ब्राइटनेस थोड़ी कम है तो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप जैसे ये क्लॉक है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। और अब इसको आप अप्लाई कर लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों आप बंद होने के बाद भी आपको ये क्लॉक दिख रही होगी, ये देखिए दोस्तों। तो इनको आप चेंज कर सकते हो बार बार यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों काफ़ी तगड़ी तगड़ी डिजाइनिंग मिली है। और यहाँ पे इसको वर्ड्स भी ऐसे रख सकते हो, और भी यहाँ पे देखिए क्लॉक्स वगैरह, ये देखिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो अपनी मर्जी से आप इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करके रख सकते हो। काफ़ी तगड़ा फीचर है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फिर यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिंगर एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, ये भी काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। यहाँ पे फिंगर एनिमेशन के अंदर दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, नॉर्मली यहाँ पे इतने अच्छे नहीं मिलते। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी तगड़े तगड़े मिल रहे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो आप इनको भी ऑन कर सकते हो। और फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कलर्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करना है। कलर्स का ऑप्शन क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इनको चेंज करते हो जैसे कि येलो, ये जो भी आपको करके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कलर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो ऑन रहता है वो ब्लू वगैरह दिखता है, तो इनका आप कलर चेंज कर सकते हो। ये भी काफ़ी तगड़ा ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों यहीं पर आप नोटिफिकेशन ड्रॉवर का भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अभी गोल हैं आपके यहाँ पे जितने भी हैं, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस तरह से हो गए, इसे शेप में भी कर सकते हो, ये देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जो कि क्योंकि इससे आपके मोबाइल की लुकिंग काफ़ी तगड़ी हो जाएगी, तो आप अपनी मर्जी से इनको कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो अगला मैं यहाँ पे फीचर बताने वाला हूँ ये भी काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे दोस्तों GT मोड, इसको जब आप ऑन करते हो तो दोस्तों अगर आप गेमिंग वगैरह खेलते हो तो दोस्तों इसको ऑन कर लेना, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है इससे और आपकी बैटरी भी काफ़ी कम ड्रेन होगी। तो दोस्तों इससे स्मूथनेस जो आपके मोबाइल की बढ़ेगी काफ़ी तगड़ी हो जाएगी। अलग से यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, अलग से बनाया गया है, तो जब भी गेम खेलो तो GT मोड को ऑन कर लीजिए, काफ़ी तगड़ा फीचर मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही तगड़ी यहाँ पे फीचर बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना है, सेटिंग्स के अंदर आने के बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 ट्रिक्स मिलती है, तो आप इनको देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, यानी कि आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, यानी बैटरी के अंदर चाहिए या बैटरी के आउटसाइड में चाहिए, तो जहाँ भी आपको चाहिए कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको जब आप ऑन कर लेते हो तो आपका जब भी नेट चलेगा, यानी कि YouTube वगैरह चलाओगे या कुछ डाउनलोड करोगे, तो यहां पर आपको नेटवर्क की स्पीड पता चलता रहेगा कि आपकी नेटवर्क की स्पीड कितने टाइम मतलब पर सेकंड चल रही है, 1 MB/s या जो भी यहां पे आपको शो करने लगेगा जब भी आप अपने नेट को यूज करोगे। तो यह भी काफी तगड़ा फीचर मिलता है, आप इसको ऑन कर सकते हो।
तो दोस्तों अब आपको जाना है अबाउट फोन के अंदर, और अबाउट फोन के अंदर भी दोस्तों काफी तगड़ा यहाँ पे फीचर मिला है दोस्तों। इसके अंदर 8 GB तो रैम मिलती है प्लस 3 GB और मिलती है, तो यहाँ पे 8 और दोस्तों यहाँ पे 12-11 GB आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक्सपेंड जो आपकी रैम है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि 2 RAM पे रखना चाहो। यहाँ पे 3 GB नॉर्मल मिलती है, तो आप इसको 5 GB भी कर सकते हो, तो आप इसको आपकी अपनी रैम को कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन मिला है दोस्तों यहाँ पे रियलमी जीटी के अंदर। दोस्तों ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है कूट कूट के भरी हुई है, हम मतलब नॉर्मली आपको बता रहे हैं, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इसके अंदर, तो ये भी काफी तगड़ा है और मोबाइल के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ अलग बता देता हूँ, अलग नहीं मतलब नॉर्मली है, पर ये सबके लिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पे फोटोज वगैरह ऐप वगैरह कैसे हाइड करते हैं। तो दोस्तों आपको जाना है प्राइवेसी के अंदर, प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐप लॉक, इससे आप किसी भी ऐप के लॉक लगा सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे अपनी मर्जी से लॉक लगा सकते हो। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड ऐप्स, यहाँ पे कोई भी ऐप आप हाइड कर सकते हो, यहाँ पे लॉक लगाइए और आपको आप अपने कोई भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो, जैसे BGMI वगैरह जिस भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हो यहां पर आप हाइड कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों प्राइवेट सेफ, यहाँ पे प्राइवेट सेफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आप सेट पासवर्ड करके यहाँ पे पासवर्ड लगा लीजिए और यहाँ पे कोई भी आप अपना फोटो वीडियोज यहाँ पे हाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और ये सिस्टम क्लोनर का तो आप जानती होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ऐप से 2 ऐप कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी ऐप को अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े फीचर है। ये भी देख लीजिए दोस्तों किड स्पेस, यानी कि अगर आपके बच्चे वगैरह यहाँ पे मोबाइल को यूज करते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसको मतलब यहाँ पे कर सकते हो। इंटर किड स्पेस के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आप एक ऐप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि आपका बेटा YouTube ही देखे तो यहाँ पे YouTube पे क्लिक कर दीजिए। और जब आप इंटर स्पेस किड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लॉक लगाना है, और यहाँ पे जब आप आओगे तो दोस्तों यहाँ पे YouTube ही मिलेगा, तो आप अपने बच्चे को मतलब यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि फिर वो YouTube के अलावा कुछ भी नहीं चला सकता। तो ये भी काफी तगड़ा फीचर मिलता है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये हिडन फीचर में से कौन सा हिडन फीचर सबसे अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।